कौन से स्टैंडर्ड से हो? एट। ओके, और टेंथ? अच्छा, एट से कितने लोग हैं भला? रेजर है, टेंथ ना? सारे लोग टेंथ के हो? ओके, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग अभी करीब हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स, राइट, मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करूँगा, है ना। और ये डिस्कशन ऐसा नहीं होगा, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, मैं आपसे कुछ बात करूँगा, कुछ पूछूँगा, आप मेरे से पूछना, राइट। और ऐसा हो सकता है कि जब हम बात कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन ड्यूरिंग द डिस्कशन, राइट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे दिमाग में, है ना, वो क्वेश्चंस नोट करके रखना, उनको पूछना, राइट। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, राइट, वो हम हो सकता है कि हम डिस्कशन के बीच में क्वेश्चन ना लें, बट एंड में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। अभी करना क्या है, दो तीन चीज़ें करेंगे। पहली तो बात है कि मैं आपको कुछ बताऊँगा, है ना, कि कैसे हम करियर में अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपना लाइफ अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपन हम अपनी जो एजुकेशन है उसको कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, राइट, है ना, ये एक चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये क्या है कि जब कोई भी हम काम करते हैं, है ना, जैसे ये स्टडी करना एक काम है, राइट, आप एक टेंथ स्टैंडर्ड में अभी 11th में जाओगे, राइट, उसके बाद कॉलेज करना है, फिर करियर में आगे जाना है, तो अभी जो काम हम कुछ करते हैं तो हमको कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि जैसे यहाँ पर जितने लोग हैं, राइट, है ना, ऐसा तो नहीं कि किसी को स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आता होगा, किसी न किसी सब्जेक्ट में आता होगा, हो सकता होगा एक सब्जेक्ट अच्छा होगा, दूसरा सब्जेक्ट में थोड़ा डिफिकल्टी होती होगी, राइट। ऐसे लोग अपना हाथ रेस करेंगे, हैंड रेस करेंगे, जो जिन लोगों को कुछ ना कुछ तो स्टडी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है या फिर किस कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, ऐसे लोग अपना प्लीज़ रेज योर हैंड। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है ना, है ना, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप ध्यान रखो, है ना, इसमें से दो तीन आप लोगों में से जितने लोगों ने हैंड अपने हाथ उठाए हैं ना, उनमें से दो तीन लोगों से क्वेश्चन हम लेंगे, उसके जरिए हम क्या करेंगे कि सारे लोग का प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ आंसर देने की कोशिश करेंगे उसका, ठीक, आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि अभी आप लोग एग्ज़ाम्स भी आने वाले होंगे, राइट, एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो दो तीन चीज़ें कवर करेंगे। पहली चीज़ तो मैं कवर करूँगा कि मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में हम कोई भी इंसान, राइट, एक कोई तो एक सपना देखता है, शुरू में एक सोचता है ना कि मेरे को ये करना है, राइट, बट सोचने के लिए तो हर कोई सोच रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ सोच रहा है, राइट, आप भी कुछ सोच रहे होगे, राइट, कि मेरे को ऐसा करना है, आप भी कुछ सोच रहे होगे, बट आप एक बात याद करना कि आपने जो फॉर एग्जांपल आज से पाँच साल पहले जो सोचा था, है ना, इस बात के लिए आपको हाथ उठाने होंगे, राइट, आज से पाँच साल पहले आपने कुछ करने का सोचा था, क्या वो पाँच साल बाद आज हो गया है क्या? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ सोचा था और ऐसा ही क्या ऐसा हो गया, ऐसा कोई है क्या? अच्छा चलो, मैंने कुछ बड़ा सोचा था बट उससे रिलेटेड कुछ तो हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने 90% के लिए टारगेट किया था, लेट्स अज्यूम, बट मैंने अपने परसेंटेज को थोड़ा 10% बढ़ाया, 5% बढ़ाया, ऐसे लोग कुछ हैं क्या जिन्होंने कुछ तो टारगेट किया था उसके बाद में उसके करीब करीब का कुछ मिला, ऐसे लोग कुछ हैं क्या? तो इससे क्या हम एक मेरी बात समझ में आ रही ना, एक कंक्लूजन हम कर सकते हैं कि हम जो सोचते हैं, राइट, हम जो सोचते हैं वैसा होता है क्या, एज इट इज हो जाता है क्या, पूरा हो जाता था, आपने कुछ सोचा था ऐसा आपने किया? नहीं नहीं बताओ बताओ, बात करो आराम से, मतलब हम कुछ सोचते हैं, है ना, जैसे मैंने आज सोचा कि मैं आज से 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद मैं ये करने वाला हूँ, राइट, एज इट इज मैं कर पाता हूँ क्या? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या फिर मैं खुद छोड़ देता हूँ या फिर जो एक्सपेक्ट कुछ और करता हूँ वो कुछ और जाता है, राइट, मैंने कुछ ऐसा करने का सोचा बट ऐसा हुआ नहीं, राइट। तो पहली चीज़ हम जो ध्यान रखेंगे कि पहले कि हम ऐसी कोई चीज़ सोचते हैं उसको सच कैसे करें, राइट, कि जैसे मैंने ये सोचा ये काम बहुत अच्छा है, मेरे को मालूम है इससे मेरा अच्छा होने वाला है और दूसरों के लिए भी अच्छा होने वाला है, राइट, तो इस ऐसा सोचता हूँ मैं तो ये काम मैं सच कैसे करते हैं, मतलब कुछ लोग तो करते हैं दुनिया में, राइट, हर कोई ऐसा होता है क्या कि सोचा और कुछ हुआ ही नहीं, कुछ लोगों ने सपने देखे और सपनों को पूरा किया, राइट, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सपना देखते तो हैं बट पूरा नहीं होता, प्रॉब्लम होता है, और इंस्टेड ऑफ गेटिंग कि कुछ अच्छा होने की जगह बुरा होने लगता है, बुरा इन द सेंस कि ये चाहा था बट ये तो नहीं हुआ और भी बुरा हो गया, ऐसा भी होता है ना, लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, है ना। तो एक तो चीज़ है कि कैसे सच करें सपना, राइट, सपना कैसे सच करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम थोड़ा सा, तो आप लोग का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के बारे में दो तीन बातें करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम आप लोगों के लेंगे, दो तीन हम इशूज़ आप क्वेश्चन सोच के रखो कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि दूसरों को भी समझ में आएगा कि हाँ इस ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको जो प्रॉब्लम है वो दूसरों को ना हो सकता है, राइट, है ना, तो उससे दूसरों को भी हेल्प हो जाएगा। ये दो तीन चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन की शुरुआत, अभी सेशन शुरू कर सकते हैं क्या, शुरू कर सकते हैं आप लोग? हाँ नहीं बोल रहे तो कैसे करेंगे शुरू, कर सकते हैं ना, ठीक है।
तो अभी सेशन शुरू करते हैं, तो मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने बताऊंगा, ठीक है? उस कहानी के बाद में हम अपने अगले टॉपिक पे जाएंगे। कहानी क्या है? कहानी है, आप लोगों जैसे तीन स्टूडेंट थे, है ना, तीन स्टूडेंट हैं, उन लोग करीब सेवन्थ स्टैंडर्ड में हैं, आप लोगों से थोड़े छोटे हैं, है ना। और उन्होंने वो क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे हम कभी दोस्त बाहर घूमते रहते हैं ना, कहीं घूमने गए हैं, दो तीन लोग खेल रहे हैं कहीं पर बाहर में, हमको कोई चीज़ दिख जाती है ना, कोई चीज़ दिखी, कोई बड़ी मशीन दिखी, राइट, ऐसी कोई कार दिखी या ऐसी कोई बाइक दिखी या कहीं से ऊपर से रॉकेट जाता हुआ कहीं पर दिखा, जैसे दिखता ना हल्का सा रॉकेट जा रहा है वहाँ से, हम बोलते हैं हाँ रॉकेट जा रहा है, रॉकेट जा रहा है, राइट। तो ऐसे ये तीनों क्या है, क्रिकेट खेल रहे थे ग्राउंड पे, है ना। इनको क्या दिखता है, इनको एक एरोप्लेन दूर से जाता हुआ दिखता है ना, एरोप्लेन जाता हुआ दिखता है, क्योंकि जब आप खेलते रहोगे आवाज़ आती है ना एरोप्लेन जब जाता है, तो तीनों क्या देखते हैं, तीनों ऊपर देखते हैं उसको, है ना। अब क्या होता है, इन्होंने फिर इन्होंने अपने आप में डिस्कस किया, तीनों ने डिस्कस किया कि ये जो एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन मतलब कैसी कैसी एक मशीन है कि इतने सारे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह उड़ा के ले जाती है, राइट। अगर आप खुद का आप देखोगे कि आप एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, अगर आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, राइट, तो उससे आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है, राइट। कई जगह ऐसी कि आप चलो रोड है तो हम चल के भी जा सकते हैं, बट पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, राइट, ऐसा कुछ है तो आप क्रॉस करके जाने में बहुत मुश्किल होती थी, इसी के लिए तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, है ना। तो अभी इन तीनों लोगों ने क्या बोला कि ये मशीन जो है, एरोप्लेन जो किसी ने बनाया है, ये तो बहुत मस्त मशीन है, ये बहुत अच्छी मशीन है, इससे क्या होता है लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, मतलब यहाँ का आदमी बैठे बैठे एक दिन में पता नहीं कहाँ से कहाँ जा सकता है, राइट, तो ये तो बहुत अच्छी मशीन है, तो हम कुछ ऐसा करें क्या। ये तीनों क्या सोचते हैं कि चलो अपन भी, हम जब बड़े होंगे तो हम एक मशीन ऐसा बनाएंगे, है ना, एक एरोप्लेन बनाएंगे और इससे अच्छा बनाएंगे, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि हम कभी कुछ देखते हैं, अरे यार लगता है कभी कोई कुछ करता रहता है, कोई डांस करता रहता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई डांस करता रहता है, कभी कभी मन में आता ना कि नहीं इससे से अच्छा मैं डांस कर सकता हूँ, राइट। कभी कोई कोई पेंटिंग बनाते रहता है, लगता है ना अरे यार इससे अच्छा मैं बना सकता हूँ, राइट। तो ऐसे इन बच्चों के मन में क्या आया कि मैं इनसे, हम लोग तीनों मिलकर इससे अच्छा एक एरोप्लेन बनाएंगे जो कि इससे कहीं अच्छा हो, इससे ज़्यादा तेज़ उड़ेगा, इससे ज़्यादा ऊँचा उड़ेगा, ऐसा उन्होंने सपना देखा। अब हुआ क्या, ये सोच रहे थे, इन्होंने थोड़ा स्टडी किया उसके बारे में कि कैसे एरोप्लेन बनता है, कौन उनको बनाता है, राइट, कौन सी कंपनीज हैं, कौन लोग, क्या क्या स्किल सेट चाहिए, मतलब ये सब डिस्कस करने लगे, कितना पैसा लगता है इसके लिए। एक बड़ा मुद्दा ये भी होता है ना कि कितने पैसे लगेंगे, आप लोगों में से कुछ लोग कुछ करना चाहते होंगे, बट क्योंकि उसके लिए पैसे ज़्यादा है इसलिए आप थोड़ा इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं थोड़ा पैसा आ जाएगा, कहीं से अरेंज हो जाएगा, उसके बाद हमें काम शुरू कर पाएंगे, राइट, ऐसा उन्होंने सोचा। अब इसमें क्या हुआ, तीन दोस्त थे, राइट। उसमें से पहले दोस्त ने क्या सोचा कि उसने जब स्टडी किया, तीनों लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लाए, उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। पहला जो दोस्त था उसने क्या सोचा, पहले दोस्त ने सोचा कि ये जो एरोप्लेन बनाने वाले लोग हैं ये तो हमसे कम से कम 10 से 15 साल उम्र में बड़े हैं, बिकॉज वो बच्चे थे, राइट। उसने क्या सोचा, अरे जो इंजीनियर जो होते हैं ये बनाते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं, ये लोग तो हमसे 10 से 15 साल बड़े हैं, तो जब बड़े होंगे तो सोचेंगे, जब बनाना है तो सोचेंगे ना, अभी से अभी क्या करें, राइट, जब बड़े होंगे तो देखेंगे, क्योंकि बच्चे तो बना नहीं रहे, उसको कैसे दुनिया में कोई ऐसे बच्चे नहीं मिले जो बच्चा एरोप्लेन बना रहा हो, ऐसे बच्चे नहीं मिले उसको आसपास, आज के ज़माने में बना रहे बात अलग है, राइट, उनको नहीं मिला। तो पहले ने क्या सोचा कि जब बड़े होंगे, जब बड़ा हो जाऊंगा मैं, इनके बराबर का हो जाऊंगा आज से 10 से 15 साल बाद, तो मैं इसके बारे में पढ़ना शुरू करूंगा और तब मैं बनाऊंगा, राइट। दूसरा जो था, दूसरा यहाँ रुका नहीं, उसने थोड़ा और स्टडी किया, बोला कि इसको जानने में मज़ा आ रहा है, मतलब एरोप्लेन का इंजन कैसे होता है, राइट, इसको डिज़ाइन कौन करता है, ये उड़ता कैसे है, इसमें फ्यूल कौन सा डलता है, ये सब जानने के बाद क्या हुआ, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा, तो क्या और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा, उसको क्या पता चला कि ये जो इन्वेंशन हुआ है, राइट, एरोप्लेन जो बना है उससे लोगों को अच्छा तो होता है बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं उसमें, राइट। पहला प्रॉब्लम उसको दिखा कि इसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन होता है ना, लोगों ने सुना होगा कि एयर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, इस टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, इससे लोगों को तकलीफ भी होती है, कितने सारे पहले के ज़माने में ऐसी ऐसी बीमारियां नहीं थी जो आज हो रही बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। दिल्ली की बात सुनी ना कि दिल्ली में कितने ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, राइट। तो अब हम ऐसा इन्वेंशन करेंगे तो इसमें तो प्रॉब्लम ज़्यादा और फ़ायदा कम है, हम अपने छोटे फायदे के लिए बड़ा घाटा कर रहे हैं। अब लोगों को सांस लेने को नहीं होगी हवा तो कोई तुम्हारी मशीनें काम की हैं क्या, नहीं है, राइट, सांस लेने का हवा नहीं है तो फिर मशीनें क्या करेंगे, जिंदा रहेंगे तब मशीन का यूज़ है ना। तो उसने ऐसा प्रॉब्लम्स कलेक्ट करने चालू कर दिए। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो इस पर फ्यूल डलता है, ये तो पेट्रोल या जो भी पेट्रोल डलता है इस पर, ये तो हमेशा रहने वाला नहीं है, आज से 40-50 साल बाद ये फ्यूल ख़त्म हो जाने वाला है, राइट। तो अब ऐसी मशीन बना के करें क्या, मतलब उसने क्या सोचा, जब मैं आज से 10 साल बाद बड़ा होऊंगा, बनाऊंगा, पहली बात तो इससे पॉल्यूशन होगा, लोगों को प्रॉब्लम होगी, अच्छा होगा बट बुरा भी होगा, राइट, दूसरा फ्यूल भी रहने वाला नहीं है तो फिर मेरा इंजन चलेगा कैसे,
उसने क्या किया, उसने भी छोड़ा, रिजेक्ट कर दिया, राइट। उसने पहले ने क्या सोचा, क्योंकि बड़े लोग बनाते हैं तो बड़े होंगे तो सोचेंगे। दूसरे ने क्या सोचा, अरे बनाने के बाद भी इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, राइट, तो ऐसा प्रॉब्लम ही क्यों क्रिएट करना, हम बनाएंगे नहीं। उसने बोला छोड़ दो। तीसरा जो था थोड़ा अलग सोचता था, तीसरा जो उनमें बच्चा था वो अलग सोचता था। उसने क्या किया, उसने ये चीज़ें देखी, उसने पहली इन्फॉर्मेशन क्या देखी कि बड़े होने के बाद मेरे को ये बनाना है, उसको भी पता चला, जैसे पहले और दूसरे को पता चला, उसको भी और तीसरे को भी यही पता चला कि इसको बनाने के लिए कितना खर्च आने वाला है, कितने रिसोर्सेस आने लगने वाले हैं और कितना इन्फॉर्मेशन मेरे को कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट, ये भी उसको पता चला। उसके बाद में उसको भी ये दूसरे ने जाके उसको बताया, राइट, कि अरे बनाने के बाद में इससे ये प्रॉब्लम होते हैं, राइट, इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, राइट, तो ऐसा काम ही को करना नहीं करते, राइट। फिर लेकिन इतना सुनने के बाद में उसने उससे कुछ और बातें कही, ये तीसरे ने दूसरे से कुछ बातें कही, ठीक है। कभी कोई प्रॉब्लम था, कभी जब एरोप्लेन नहीं था तब कुछ तो प्रॉब्लम था, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते थे, दुनिया को देखना कोई चाहता है देख नहीं सकता था, एक जगह दूसरी जगह जब ट्रेवल करने में बहुत टाइम लगता है, ये सब प्रॉब्लम को देख के किसी ने वो बनाया, राइट। बट कभी जब हम कोई काम करते हैं तो पहली बार में 100% परफेक्ट होता है क्या, राइट, हम पहली बार कुछ बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाती है ना, राइट। हमने को पहली बार किसी ने आपको बोला कि चलो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ऐसे लिख के दो, एक ऐसे लिख के दो, तो पहली बार क्या होता है, हम कभी लिखते हैं बीच में कुछ का कहीं लिख जाते हैं, फिर अपन कट करते हैं उसको दोबारा लिखते हैं, होता ना सर, एग्जाम में कभी कोई को आंसर लिखते रहते हैं, चार लाइन लिखने के बाद में याद आता ना अपने को, अरे यार आंसर तो कुछ और लिखना चाहिए, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, अपन उसको करेक्ट करते हैं ना। तीसरे ने वही किया, बोला ठीक है टाइम लगेगा, आई एक्सेप्ट, रिसोर्स लगेंगे वो भी पता है, इससे कुछ प्रॉब्लम भी होने वाले हैं वो भी पता है, बट उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास टाइम भी है ना अभी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थे उसको किसी ने सॉल्व किया, उससे कुछ और प्रॉब्लम हो गए, बट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं जब बनाऊंगा तो ये प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा, उनको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, मैं कैसा एरोप्लेन बनाऊंगा जिसमें ये जो चैलेंजेस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको या तो मैं कम करूंगा या ख़त्म कर दूंगा, राइट। फ्यूल को प्रॉब्लम है, हम नए रिसोर्स ढूंढेंगे, राइट, एक ऐसा इंजन बनाएंगे जो अलग तरह के फ्यूल से चले, राइट, सोलर एनर्जी चले, ऐसे अलग अलग चीज़ों के बारे में वो सोचने लगा, बहुत सारे ऑप्शंस उसके सामने आने लगे, राइट। और सबसे पहली बात क्या थी, जो पहले ने जो पॉइंट आउट किया था, उसने एक चीज़ समझी कि ये जो लोग हैं, राइट, जो लोग ऑलरेडी हमसे 10 से 15 साल बड़े हैं, ये लोग बना रहे हैं, राइट, और हम तो बच्चे हैं, राइट, तो हम कैसे वो काम करें। बट ये पहले उसने क्वेश्चन खुद से किया कि आदमी ऐसे काम इस उम्र पे जाके क्यों करना शुरू कर पाता है, राइट, 25 इयर्स 30 इयर्स का होने के बाद ही वो कुछ ऐसा रियलिस्टिक काम करना क्यों शुरू कर पाता है, बिकॉज उसको खुद को तैयार करने में टाइम लगता है, राइट, उसको 10-15 साल तो पढ़ना पड़ा ना कुछ, राइट, पहले उसने इंजीनियरिंग करी, पहले उसने स्कूल ख़त्म किया, फिर उसने इंजीनियरिंग करी, फिर उसने उस साइंस के बारे में सीखा, राइट, उसको स्टडी किया, इसमें 4-5 साल लगा, मतलब उसको खुद को तैयार करने में इतना टाइम लग जाता ना, राइट। तो उसने क्या समझा कि अगर मेरे को कल बनाना है तो मैं तैयारी कब शुरू करनी पड़ेगी, आज करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मैं अभी तैयारी करना शुरू करूँगा डेफिनेटली टाइम तो लगने वाला है, राइट। कुछ भी बनाने से पहले सबसे पहले आदमी को क्या बनाना पड़ता है, खुद को, राइट। मैं आज वही काम कर रहा हूँ ना जिसकी स्किल सेट मेरे पास है, जो मेरे को करना आता है, राइट, वही मैं काम कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्टडी करना आता है आज, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, बट मैं टीचिंग करना आता है क्या, नहीं आता अभी, तो मैं टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, बट कल मैं टीचिंग नहीं कर सकता क्या, कर सकता हूँ अगर मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगा। तो इसने वही सोचा कि सबसे ज़्यादा टाइम जो लगने वाला है वो प्रिपरेशन में लगता है, मतलब कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले आदमी को क्या बनाना पड़ता है, खुद को। और खुद को बनाने का मतलब क्या होता है, वो सेट ऑफ स्किल्स, राइट, वो सेट ऑफ स्किल्स खुद को सीखने पड़ते हैं, राइट, खुद को वो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, उनको कैसे अप्लाई करें वो सीखना पड़ता है, उसके बाद में वो कभी कुछ बना पाता है, राइट। तो इसने क्या बोला, क्योंकि अपने आप को तैयार करने में टाइम लगने वाला है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आज से चालू कर दूंगा तैयारी, ठीक है। उसने एक गोल मिल गया उसको कि हाँ मेरे को ये करना है अपने लाइफ में। दूसरा क्या सोचा, मैं अपने आप को तैयार करूंगा। तीसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इससे तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं, तो उसने क्या सोचा, अब दो लोग थे यहाँ पर, दूसरा और तीसरा। दूसरे ने क्या सोचा था, प्रॉब्लम है इसके लिए नहीं करना है, प्रॉब्लम होने वाले इसके लिए नहीं करना है, और तीसरे ने क्या सोचा, प्रॉब्लम है इसलिए तो करना है, प्रॉब्लम नहीं होती तो ऑलरेडी वो एरोप्लेन सबसे अच्छा ही होता, तो मेरे को करने की क्या ज़रूरत थी।
कुछ करने की जरूरत थी क्या? वो 100% परफेक्ट होता तो करने की जरूरत थी क्या? नहीं। अरे नहीं है तभी तो और अच्छा करना है, इसने यही सोचा। अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, राइट? तो उसने उसके सॉल्यूशन ढूंढने चालू किया, राइट? अब इसके बाद में ये तीन जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक कहानी की शुरुआत में एक सपना देखा था, राइट, इसमें से कौन है जो इस सपने को पूरा करने वाला है? तीसरा वाला, राइट? पहले ने सोचा बाद में करेंगे, राइट? अब वो आज से 10 साल बाद जब जाएगा उस समय तैयारी शुरू करेगा तो उसके बाद वो कब कर पाएगा पता नहीं, राइट? जब आज मन नहीं कर रहा है, देखना आप एक बात को बहुत समझना कि कोई काम अगर आपको आज करने का मन नहीं कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट होगा, एग्जाम्पल आपको सब्जेक्ट से समझ में आएगा जल्दी, कोई सब्जेक्ट आपको आज पसंद नहीं होगा पढ़ने के लिए, लगता है ना 5-6 सब्जेक्ट होता है उसमें से कोई एक अच्छा लगता है कोई एक अच्छा नहीं लगता, तो आप देखना जो काम आपको आज अच्छा नहीं लग रहा है वो आपको कल भी अच्छा नहीं लगता उतना, राइट? मतलब कि क्या है कि जो पहला बच्चा था, पहला स्टूडेंट था, उसको आज कुछ करने का मन नहीं था, मतलब वो 10 साल बाद होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। दूसरे ने प्रॉब्लम देख के रुक गया, अरे प्रॉब्लम है तो क्या करूँ? वो क्या ढूंढ रहा था? वैसे रीजन ढूंढ रहा था, ना करने के रीजन ढूंढ रहा था, राइट? उसको एक्चुअल में मन होता, राइट? आपको जैसे कोई मूवी देखने जानी है, राइट, हैरी पॉटर की नई कोई सीरीज आएगी, राइट, आपको देखने जाना है, तो आप सारे प्रॉब्लम सारे काम जल्दी खत्म करके उसको देखने जाने जाते हो कि नहीं जाते हो? राइट, क्योंकि आपको देखने जाने का मन है, राइट? अगर आपको कुछ काम करने का मन होता है तो उसके लिए आप अपना स्पेस बनाते हो कि नहीं बनाते? उसके लिए सारे काम पहले खत्म करके वो काम करने के लिए टाइम निकालते हो नहीं निकालते, राइट? लेकिन ये दूसरा बच्चा वो क्या था, वो ऐसे रीजन ढूंढ रहा था कि मैं क्या ऐसा सोचूं कि चलो देख तो लिया अच्छा तो लग गया, बट क्या सोचें कि ना करना पड़े, ना करने के रीजन ढूंढ रहा था वो, राइट? उसने छोड़ दिया। बट तीसरे ने क्या सोचा, तीसरे ने सोचा कुछ अलग और उसने पूरा किया, राइट, उसने कुछ बनाया, राइट? तो ये जो चीज़ है, राइट, अब ये चीज़ जो है ये हमारे सबके साथ होती है कभी ना कभी, राइट? हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा यहाँ पर, राइट, हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कुछ कभी आज से बचपन से लेकर आज तक कभी कुछ करने का सोचा नहीं होगा। सबको कुछ ना कुछ तो सपना होगा किसी के अंदर में कि मेरे को ये बनना है, राइट, सोसाइटी में मेरे को ये करना है, या फिर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस मेरे को ये करना है, मेरे को एक ऐसा इंसान बनना है। एक्चुअल में हम कोई करियर सेट नहीं करना चाहते, मैं एक इंसान बनना चाहते कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ और ऐसे जीना चाहता। अल्टीमेटली वही होता है ना कि मैं एक अफसर बन के जीना चाहता हूँ, मैं एक कॉलेज का प्रोफेसर बन के जीना चाहता हूँ, मैं एक साइंटिस्ट बन के जीना चाहता हूँ, मैं एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है यहाँ पर? किसको किसको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में? उठा उठा हाथ, कोई नहीं, राइट? किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, राइट? इसके बाद में किसी को आर्ट में, मूवीज में इंटरेस्ट है? किसी को एक्टर बनना है क्या यहाँ पर? उठा उठा, किसी को एक्टिंग में इंटरेस्ट है? एक्टिंग में, आर्ट में? किसको किसको पेंटिंग करना अच्छा लगता है? पेंटिंग करना किसको अच्छा लगता है आपको, राइट, है ना? किसको सिंगिंग अच्छा लगता है, राइट? तो देखो हम आपके बीच में, हमारे बीच में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा शांत रहेंगे ना। हमारे बीच में क्या हो रहा है कि हम जो लोग हैं यहाँ पर सबके पास कुछ ना कुछ तो सपना, सबने अपना लाइफ को सोच के रखा है ना कि मेरे को ये करना है, ऐसा कुछ करना है, राइट? तो वही तो हम सोचने करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने सोचा है वो हम कैसे कर पाएं रियल में, राइट? और वो सही टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी आज मैं स्टडी कंप्लीट कर रहा हूँ तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं जो करना चाहता हूँ जितनी जल्दी शुरू करूँगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा कि नहीं होगा, राइट? अब मैंने 20 साल सोचने में लगा दिए, 20 साल ढूंढने में लगा दिए, तो मेरी उम्र कितनी हो गई 40 की, राइट? अब उसके बाद में हो गया 2-3 साल तैयारी में हो गया 45 का, तो उतनी एज पर जाने के बाद लोग कुछ ज़्यादा अच्छा करते हैं क्या? ज़्यादातर लोग, जिन लोगों ने, याद करना आप थोड़ा ढूंढना इस बात को, राइट, जिन लोगों ने कोई बड़ा काम किया है ना दुनिया में, जो और जो बड़ा काम करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, एक आदमी होता है जो खुद की लाइफ सेट कर लेता है, बट कोई आदमी कुछ बड़ा काम करता है तो कितने सारे लोगों की हेल्प अपने आप हो जाती है, राइट, है ना? आप ऐसे लोगों को ढूंढो जैसे एक कोई बड़ा स्टार होता है, राइट? अब एक स्टार है, एकदम एग्जाम्पल बहुत सीधे समझ में आएगा, जैसे कोई बहुत बड़ा स्टार है, कोई मूवी स्टार है, राइट? अब एक आदमी क्या है, वो अपना काम कर रहा है, राइट, बट उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है कि नहीं होता है? एक मूवी रिलीज होती है उससे कितने सारे लोगों को पैसा मिलता है, देखो, होता है ना, राइट? और एक अच्छी मूवी होती तो और ज़्यादा लोगों को मिलता है, होता है ना, हाँ? तो ऐसे ही क्या है कि हम जब कोई बड़ा काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो उससे हमको ही सिर्फ फायदा नहीं होता, दूसरों को भी फायदा होता है, राइट, है ना? तो इसके लिए अपन कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, राइट, क्यों नहीं सोचते? हमारे पास टाइम है कि, मतलब कि सोचने का पैसा लगता है क्या? जैसे आप कुछ भी बैठ के हम सोचो कि मेरे को ये बनना है, उसके लिए आपको कोई चार्ज करने वाला है क्या? नहीं, राइट, सोचने के लिए फ्री। सबसे पहले आदमी सोचता है ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ, हम सब ने सोच के रखा है। अब हम इस मुद्दे पे आते हैं कि इसको पूरा कैसे करेंगे, राइट, क्योंकि
हो सकता है कि यहाँ पर हमने इतने सारे लोग हैं, इनमें से हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है ना, है ना, सबको एक जैसा तो नहीं सोचते कि सबको सबको यही करना है, ऐसा तो डिसाइड नहीं है, सबको कुछ अलग अलग करना है, राइट। तो पहली चीज़ क्या होती है कि जो काम आप करना चाहते हो सच में, राइट, जो काम आप सच में करना चाहते हो उसके लिए आप अपने आप को जल्दी तैयार कर पाते हो, समझ रहे हो ना। और जो काम आपको करने का मन नहीं है बट कोई बोल रहा है इसके लिए करना है, या फिर कोई ऑप्शन नहीं दिखता इसके लिए करना है, इस मन से अगर कुछ करोगे, राइट, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसमें, क्योंकि आदमी को खुद को मन नहीं है ना। जैसे कहीं किसी जगह मेरे को किसी का कोई होता ना, कोई रिलेटिव के यहाँ अपने को जाने का मन नहीं होता, अब उसके यहाँ कोई बोले कि जाओ तो फिर क्या होता है, ना जाने के बहाने ढूंढते हैं, ऐसे सपनों के साथ होता है, समझ रहे हो ना। जो सपने आपको पसंद नहीं है खुद से, है ना, किसी को दूसरे के बोलने पे, किसी को दूसरे को देख के अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर से करने की कोशिश करोगे ना, अपना टाइम आप खराब करोगे, क्योंकि जो काम आपको करने का मन ही नहीं है, राइट, उस काम में आप सक्सेस कैसे, कुछ बड़ा कैसे कर सकते हो, राइट। तो पहला जो काम होता है, राइट, है ना। अभी देखो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, स्टडी से अलग रह के नहीं करनी है, स्टडी किसी को छोड़ना है फिर ये काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कर रहे हो, राइट, आप जो कर रहे हो वो करते रहो, उसके साथ में हमको कुछ ऐड करना है, सो दैट कि ये जो एजुकेशन हम ले रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाए, ठीक है ना। तो अपने को पहली चीज़ क्या करनी है कि भैया मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को क्या पसंद है, है ना, मेरे को क्या पसंद है, इस बात को थोड़ा अपने अंदर ढूंढना है कि एक्चुअल में मेरे को क्या अच्छा लगता है, राइट। अब मेरे को जो अच्छा लगता है, है ना, या मेरे को जो काम करने का मन है, या मेरे को कुछ बनाना है, मेरे को कुछ गाने लिखने हैं, राइट, मेरे को कुछ कहानी लिखनी है, जो भी काम है, राइट, उन कामों को अपने आप से, मतलब कि पहली तो बात है कि मैंने अपने पसंद को स्वीकार किया, मतलब कि मेरा जो एक्चुअल में अंदर में बिलीफ है, राइट, मेरा जो बिलीफ है उस बिलीफ को मैंने सुन लिया कि हाँ मेरे को ये बनना है, हाँ ये मेरे को करना है, पहली चीज़, राइट। तो ये बहुत क्लियर हो गया। अब उसके लिए तैयारी आज से शुरू कर देनी है, तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, खुद को तैयार करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गई। अब तीसरी चीज़ और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये तीसरी और इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा चीज़ है। देखो आपने कुछ सपना देखा, आपने तैयारी की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले आई आपने, सब कुछ पता है आपको, ठीक है, आपको किसी ने पैसे भी दे दिए कि चलो भैया ये चीज़ आपको बनानी है, इसके लिए 2 साल का टाइम लगने वाला है, ये चलो आपके लिए पैसे दे दिए आपको किसी ने, वो टाइम भी दिया, सब कुछ दे दिया, राइट। आप हेल्दी नहीं हो, हाँ आप हेल्दी नहीं, आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है अभी, राइट, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो पढ़ने का मन करता है क्या, आपको कुछ भी काम में मन लगता है क्या, कोई प्रॉब्लम देते सॉल्व करता है क्या, कर पाते हो क्या, राइट। तो ये जो एक्चुअल में जो कोई ड्रीम को जो रियल करने का जो काम होता है ना, इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारा नॉलेज, हमारे रिसोर्सेज, सब कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम, राइट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है किसी ड्रीम को, जोर से बोलोगे तो सुनाई देगा ना, सब लोग साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है किसी की ड्रीम को सक्सेसफुल करने में, आप खुद होते हो ना, आपका सपना पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, आप। तो जब आप लोग, राइट, जब आप लोग उस काम के लिए खुद को तैयार करोगे तो वो काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है, होने वाला है ना, है ना। तो यही काम अपने को करना है कि पहली चीज पहचान लेनी है कि अपने को क्या करना है, पहली चीज पहचान लेनी है अपने को क्या करना है, राइट। और हर जो हम इंफॉर्मेशन जो स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं, जो हम आसपास देखते हैं सुनते हैं, सब कुछ यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी को स्पोर्ट्स मैन बनना है, राइट, किसी को फुटबॉल में जाना है, किसी को क्रिकेट में जाना है, राइट, है ना। अब वो सोचेगा, या फिर उससे भी इजी एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को, चलो पेंटिंग आपको पसंद है ना, आपको, है ना, तो किसी को बहुत बड़ा पेंटर बनना है, कोई तो आर्टिस्ट बनना है, किसी को एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, है ना। अब उसके लिए क्या है, अब वो क्या बोलेगा, मेरे को पेंटिंग करनी है, इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मैं एक स्कूल में गया था अभी, राइट, तो एक छोटी सी बच्ची थी, मतलब 10th स्टैंडर्ड की थी, ठीक है, आप ही लोग बराबर के थे, तो उसने क्या बोला, उसको ऐसा नहीं कि उसके पास ड्रीम नहीं है, उसके पास बहुत सारे ड्रीम हैं, उसका प्रॉब्लम ये था, उसको 3-4 चीज़ें एक साथ में करनी थी, और इसके लिए वो कन्फ्यूज थी। होता होगा ना कि कई लोग के अंदर होता है कि मेरे को ये भी करना है, स्टडी भी कंप्लीट करना है, क्योंकि घर वालों ने बोला है, अपना ड्रीम ये भी है, इसको भी करना है, तो सब कुछ साथ में कैसे होगा, साथ में मैं करना कुछ और चाहता हूँ, पढ़ा कहीं और हूँ और हो कुछ और ही रहा है, ऐसा होता ही होता, राइट, सब क्या साथ होता है। तो उसने बोले कि मेरे को 3 चीज़ें करनी है, पहले बोला उसको बिजनेस करना है, राइट, दूसरा क्या बोला उसने, मेरे को टीचिंग भी करना है, ठीक है,
और तीसरा काम क्या बोला, तीसरा काम बोला कि उसको आगे हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना है। तो अब उसके पास तीन कौन कौन से काम हो गए, पहला उसको बिजनेस करना है, राइट, उसको हायर स्टडीज भी करना है, उसको टीचिंग भी करना है। अब तीनों काम अगर एक साथ करने की कोशिश करें तो कुछ काम हो पाएगा क्या? चलो मैं आज बोलता हूँ कि मैं आज स्कूल आऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा भी और फिर बिजनेस भी करूँगा, तीनों काम एक साथ हो सकता है क्या? बट तीनों काम अलग अलग हो सकता है क्या? राइट, तो पहली चीज़ क्या थी जो मैंने बोला था कि आपका ट्रूथ, आपका जो एक्सेप्टेंस, राइट, उसने सबसे पहले ये तो पता किया ना कि उसको करना क्या है। जब उसने सोचा कि उसको पता चला भाई क्या क्या करना है, अब उसके बाद में क्या करनी है, उसको दूसरी चीज़ करनी है, उसको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि कौन सा काम मैं आज कर सकता हूँ, कौन सा काम कल हो सकता है और कौन सा काम मेरे को परसों ही करना पड़ेगा। राइट, अगर आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती हैं, राइट, कि मेरे को कुछ और करना है बट स्टडी भी कंप्लीट करना है, तो मैंने उसको क्या आंसर दिया, उसको मैंने ये आंसर दिया कि देखो आप अभी स्टूडेंट हो, एजुकेशन कब कंप्लीट कर सकते हो, अभी कर सकते हो, 5 साल बाद कर सकते हो क्या? बट टीचिंग 5 साल बाद कर सकते हो क्या? बिजनेस 10 साल बाद शुरू कर सकते हो क्या? राइट, और बिजनेस करते करते पार्ट टाइम कभी टीचिंग भी कहीं लेक्चर दे सकते हो क्या? हो सकता है, राइट। मैंने उसको बोला कि प्रायोरिटी डिसाइड करो, मेरे को आज जो मेरा ड्रीम है उसके लिए मेरे को आज क्या करना है ताकि मैं कल जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊँ। क्योंकि आपका जो अपना सपना होगा, राइट, उसके लिए रिसोर्सेज आपको खुद को अरेंज करने हैं, आपको किसी किस, आपको कोई हर फैसिलिटी देने वाला नहीं है। अगर फैसिलिटी ऑलरेडी होती, राइट, फैसिलिटी ऑलरेडी अगर होती तो मैं वो कर रहा होता, नहीं है तो करेंगे क्या? स्पेस बनाना है खुद का, समझ रहे हो ना, कि चलो आज मेरे को पढ़ना है तो पढ़ाई तो कंप्लीट करनी करनी है, राइट, पढ़ाई कंप्लीट करनी करनी, उसमें कोई प्रॉब्लम अपने को क्रिएट नहीं करना है, है ना। और पढ़ाई करने के बाद साथ साथ में अपने को जो कल जो काम करना है उसके लिए खुद की तैयारी शुरू कर देनी है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन तैयार करना है, अपने आप को फिजिकली इमोशनली अच्छा करना है, ताकि हमको क्या हो पाए कि जो काम हम कल करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन होगी, राइट, और उसके बाद में हम वो काम कर पाएंगे, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, राइट, कि अब तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमने को क्या करना है और वो कैसे होता है, कैसे होता है, एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है खुद को। जैसे आपको 5 साल के बाद डॉक्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को डॉक्टर बनना है क्या? यहाँ नहीं बनना है, किसी को एक को बनना है ना, तो आपको डॉक्टर बनना है। एग्जांपल जरा आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ना, 5 मिनट और है ना, जैसे इनको डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर 2 तरह के होते हैं, हर मतलब एक अच्छा डॉक्टर होता है, एक नॉर्मल डॉक्टर होता है और एक बेस्ट होता है, बोलते हैं ना स्पेशलिस्ट है, पूरे सिटी में इसको सब लोग जानते हैं, राइट। तो ऐसा अगर बनना है तो उसके लिए हमको आज से खोजना चालू करना होगा ना कि भैया सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज कौन सा होता है, कहाँ पर सबसे अच्छी एजुकेशन होती है, उस कॉलेज में एडमिशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है ना, है ना। तो सब लोग अभी क्या करेंगे इस सेशन के बाद, सब लोग करना कि अपना जो एक्चुअल में तुम्हारे लाइफ का गोल है, जो सपना है तुम्हारा, उसको थोड़ा लिख लेना, राइट, उसको लिख लेना कि तुमको एक्चुअल में लाइफ में क्या करना है। अब जब तुम लिख लोगे ना, राइट, उसके बाद जब हमको ये पता चल जाता है ना कि हमको क्या करना है, उसके बाद कैसे करना अपने आप बनते जाता है। क्योंकि जब तक ये पता नहीं रहेगा, जब तक मैं बहुत क्लियर नहीं रहूँगा कि एक्चुअल में मेरे को क्या करना है, तब तक कुछ भी होता रहेगा। मैं स्कूल आता रहूँगा, मैं स्कूल जाता रहूँगा, स्कूल ख़त्म हो जाएगा, मैं कॉलेज चला जाऊँगा, कॉलेज भी ख़त्म हो जाएगा, मेरे को पता ही नहीं रहेगा कि मेरे को करना क्या है, समझ रहे हो ना। बट अगर जहाँ मेरी बात, मेरी नज़र में एक बात आती है ना कि मेरे को ये करना है, उसके बाद आपका दिमाग अलग तरह से सोचने लगता है, आपका दिमाग उन चीज़ों के बारे में खुद को तैयार करने लगता है, राइट। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर एकदम अपना क्लियर गोल अपना एक रख लो, राइट, जो मेरे को करना है डिसाइड कर लो। और एक बात याद रखना कि वो गोल, जो भी आपने सपना सोचा है, उसको पूरा करने में कोई आपकी मदद नहीं करने वाला। लोग आएंगे आसपास, बोलेंगे अच्छा करना चाहिए, ये होना चाहिए, आपको ये फैसिलिटी देंगे, बट उससे कुछ होने वाला नहीं। आपको खुद को, राइट, आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा और सपने को खुद पूरा करना पड़ेगा। कोई लोगों के आने से काम पूरा नहीं होता जब तक आप खुद उसको पूरा ना करोगे। जैसे आखिरी बात है इस सेशन की, कल मैं किसी से बात कर रहा था, राइट, तो उन्होंने क्या बोला कि सर मेरे ये सपने हैं, राइट, ये सपने हैं, मेरे को ये करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, मेरे को मम्मी के लिए करना है, मेरे पापा के लिए करना है, मेरे को अपने भाई के लिए करना है, राइट। उनसे जब मैंने पूछा, है ना, उनसे जब मैंने पूछा कि ये कब करोगे, है ना, तो उनके पास जवाब क्या था मालूम, उन्होंने क्या बोला कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, कब होगा ये मेरे को पता नहीं। आंसर क्या था कि मेरे सपने हैं, उसके लिए मैं कुछ तो ट्राई कर रहा हूँ, बट ये कब पूरा होगा मेरे को पता नहीं। तो मैंने उनको क्या बोला कि
ये अगर इस स्टेट से जाएंगे कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ बट कब पूरा होगा पता नहीं है, ऐसे कोई सपना पूरा नहीं होता। पहले ये देख लो कि आपने जो सपना देखा ना वो कब आप पूरा करने वाले हो, कब आप उसको पूरा करने वाले हो, फिर उस दिन आपको पूरा करना पड़ता है, राइट। सोच लेने से नहीं हो पाता, राइट। जो भी आपके सपने हैं उसको एक डेडलाइन थोड़ा दो दिमाग में कि हाँ इसको मैं 2 साल बाद करने वाला हूँ, 3 साल बाद करने वाला हूँ, इसके लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आप जब लोगों के बीच में रहोगे, समझ रहे हो ना, लोगों के बीच में रहोगे बट इन्हीं लोगों इन्हीं स्कूलों से, मतलब आप जब दुनिया के बड़े बड़े लोगों से अगर देखते हो तो वो लोग किसी स्कूल के हिस्सा थे, किसी स्कूल के स्टूडेंट थे वो लोग, उस स्कूल से हर कोई बड़ा आदमी बना क्या, हर किसी ने कुछ खास काम करता है क्या, हर कोई नहीं करता ना, कोई एक या दो या तीन, राइट, एक दो या तीन ऐसे लोगों ने कुछ बड़ा काम करते हैं ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने सपने को जल्दी पहचान जाते हैं और उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, बस और कुछ नहीं, राइट, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, है ना। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी, है ना। तो ये हो गया। अभी आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे, किसी के कोई प्रॉब्लम होंगे, किसी कोई सब्जेक्ट के चैलेंज होंगे, राइट, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद मैं आखिरी में आपको एग्जाम के लिए 2 टिप्स देने वाला हूँ, एग्जाम में कैसे अच्छा करेंगे उसके लिए टिप्स देने वाला हूँ, बट उसके पहले हम 1 या 2 प्रॉब्लम ले लेंगे। किसी को कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो कैसे उसको करें अच्छा, या आप लोगों ने बोला था ना आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम है, राइट, तो ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन ले लेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो क्वेश्चन ले लेंगे 1 या 2। शुरू में सब लोगों ने हाथ उठाए थे ना, कुछ कुछ प्रॉब्लम है, राइट, कोई 1 या 2 क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद हम सेशन क्लोज करेंगे। हाँ पूछो। हाँ, मैथ्स डिफिकल्ट लगता है आपको, अच्छा मैथ्स बनाना अच्छा नहीं लगता कि वो आपको, नहीं नहीं ठीक है ना, क्वेश्चन उसने पूछा है, ठीक है ना, इसको मैथ्स आपको डिफिकल्ट लगता है, राइट, है ना, अच्छा मैथ्स को ऐसे इजी करेंगे, हाँ इजी करने का, ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, इजी करने का, ठीक है ना। अब देखो इनके लिए हम क्या करेंगे, मैथ्स को इजी कर देंगे, बैठ जाओ। आपका नाम क्या है? हाँ हाँ, तो ताली बजा देंगे एक बार उसके लिए, उसने क्वेश्चन पूछा ना सबसे पहले। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी अब एक बात बताओ, आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है? मैथ्स आपको डिफिकल्ट लगता है, इजी कौन सा सब्जेक्ट लगता है आपको? मराठी इजी लगता है, ठीक है। तो मराठी इजी लगता है और मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, राइट। मराठी इजी क्यों लगता है, इस तरह सोचते हैं ना, मराठी इजी क्यों लगता है, क्योंकि जब पहली बात तो जब मैं छोटा था, जब शुरू में बच्चा था ना, तब से मराठी तो मेरे शुरू से सीख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, राइट। मैथ्स तो बाद में है ना, स्कूल आ गया तो मैथ्स आ गया, नहीं तो स्कूल, घर में कोई मैथ्स होता है क्या? घर में मैथ्स में कोई बोलता है क्या 1 2 3 4 ऐसा कोई बात करता है क्या? नहीं करता ना, है ना। तो पहली बात ये हो गई कि हमको डिफिकल्ट कौन सी चीज़ लगती है। थोड़ा देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट के लिए शांत रहोगे, देखो मेरे जाने के बाद आप लोग बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, तो मेरे रहते अगर चुप हो जाए, चुप रह जाओगे, उसको वो आंसर सुन पाएगा ना। देखो हमारा जो हर काम होता है ना, हम जो हर काम करते हैं उससे हर कोई, हर दूसरा आदमी इफेक्ट, उससे कुछ ना कुछ उसको इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर ये कोई स्टूडेंट है जो पढ़ना चाह रहा है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ ना, ये पढ़ना चाह रहा है, और आप सब लोग हल्ला करोगे तो आप लोग तो हल्ला कर रहे हो बट इससे उसका भी नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो जैसे, और दूसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप रोड पे सब लोग रोड पे जाते हैं, कोई बाइक चलाता है, कोई कार चलाता है, अगर मैं कार अच्छे से चलाऊँगा, राइट, तो दूसरों को तकलीफ ना हो, वो भी एक अच्छा काम है कि नहीं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, एक का प्रॉब्लम है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग उसको सपोर्ट करोगे तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा कि नहीं होगा, राइट। अगर उसका प्रॉब्लम आज हमने सबने मिल के सॉल्व किया तो उसके दिल में एक अच्छी बात आएगी, नहीं आएगी, और फिर वो किसी दूसरे को, हो सकता है कि किसी दूसरे को वो प्रॉब्लम देखेगा तो उसकी मदद वो करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, राइट। ऐसे ही हमने करना है, तो खाली 2 मिनट के लिए हम लोग शांत रहेंगे। देखो, तो कोई सब्जेक्ट हमको डिफिकल्ट लगता है ना, कोई सब्जेक्ट, देखो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। मराठी आपको अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि मराठी आप देखते हो, सुनते हो, राइट, है ना। अब मैथ्स आपको डिफिकल्ट लगता है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैथ्स में हर चीज़ डिफिकल्ट लगती होगी, मैथ्स में कुछ कुछ चीज़ें डिफिकल्ट लगती होंगी, राइट। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें होगी जो बन जाती होंगी इजीली, कोई ऐसे चैप्टर होंगे जो सॉल्व नहीं होते होंगे, होता ना ऐसा? मैथ में सब कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मैथ में कुछ कुछ डिफिकल्ट है, है ना। तो जो चीज़ें ईजिली समझ में आती हैं उनको अलग करो, ठीक है। ऐसे 2 चीज़ें देखना, एक नोटबुक लेना, उसमें 2 कॉलम बनाना अपने,
ठीक है, उसमें दो ऐसी चीज़ें लिखना मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, और दो ऐसे लिखना जो समझ में नहीं आए हैं। अब उसके बाद में जो जो चीज़ें आपको ईजिली समझ में आई हैं उनको देखना, वो आपको आपने कैसे समझा, उसको कैसे समझा, राइट। तो मैथ्स बेसिकली क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन होता है, होता ना होता। मैथ्स में क्या होता है कि स्टेप नंबर वन होता है, उसमें हम कुछ करते हैं, उससे स्टेप नंबर टू आता है, राइट, स्टेप नंबर थ्री आता है ना, और इसके बाद आंसर आ जाता है। तो कोई प्रॉब्लम होती है जो तीन स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम क्या होते हैं ज़्यादा स्टेप लगते हैं सॉल्व करने के लिए, ऐसा होता ना होता, राइट। तो अभी और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कोई होता ना, चार लाइन में सॉल्व हो जाता है कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम 15 लाइन में सॉल्व हो रहा है, तो 15 लाइन में सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, इसके बाद क्या होगा समझ में नहीं आता है, राइट। तो अभी अपने को क्या करना है, ईजी से डिफिकल्ट को समझना है, समझना मेरी बात को ना अच्छे से। जो ईजी आपने सॉल्व किया चार स्टेप को, आप धीरे धीरे कोई ऐसा प्रॉब्लम लेना जो पाँच स्टेप का हो, थोड़ा बड़ा हो, और थोड़ा उसके बारे में सोचना कि चार स्टेप वाले प्रॉब्लम से पाँच स्टेप वाले प्रॉब्लम तक समझना, राइट। उसके बाद में उससे थोड़ा और प्रॉब्लम समझना, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा एक मिनट के लिए बैठ जाओगे, थोड़ा एक स्टेप के लिए थोड़ा सा बैठ जाओगे, है ना। तो सुनो बेटा, देखो देखो, एक सेकेंड ना, वो कर लेंगे, वो हो जाएगा उसका, बाद में कर लेंगे थोड़ा सा। तो क्या है कि थोड़ा थोड़ा एकदम जो इजी प्रॉब्लम है उससे थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेना जो आपसे नहीं बनता, राइट। उसके बाद में उसको किसी फ्रेंड से किसी टीचर से समझना, समझ रहे हो ना, समझ रहे, उसको समझना। उसके बाद में थोड़ा और प्रॉब्लम से समझना। तो जब आप थोड़ा अपना डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाते जाओगे ना, जैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, पाँच स्टेप का प्रॉब्लम, फिर छः स्टेप का प्रॉब्लम, सात स्टेप का प्रॉब्लम, जो एक्चुअल में एजुकेशन होता है ना, हाँ हाँ, बड़ा गणित समझ में नहीं आता ना, तो आपको ये करना पड़ेगा, जो समझ में आता है उसको देखना ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हो रहा है। गणित में क्या होता है, गणित में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप को समझना होता है कि पहले स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे आया, राइट, है ना, फिर दूसरे से तीसरा कैसे आया, राइट। तो फिर बड़े में जाएंगे तो बड़े में भी वही होता है ना कि पहले स्टेप आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, पूरा एक साथ याद रखने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको समझ में याद नहीं रहेगा वो, बट आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तो वो सॉल्व होने लगेगा। और आखिरी चीज़ है कि जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती, जो चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं उसको पहले किसी समझ, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको अच्छे से बनता होगा, आपका कोई दोस्त होगा ना जिससे उसको अच्छे से आता होगा, हाँ। देखो अभी हम एक काम करेंगे, देखो एक आखिरी काम है ना, यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना, कुछ लोग नहीं, नहीं ठीक है ठीक है, सुनो हम लोग हल्ला नहीं करेंगे एकदम, सुनो एक मिनट के लिए, यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको कोई तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा, राइट, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, राइट। तो अगर आप जो जानते हो, ठीक है ना, देखो आप सुनोगे तभी, मैं आप बीच में बात नहीं करोगे ना, सुनो देखो, अगर आप लोग बीच में बात नहीं करोगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे ना। जो आप जानते हो वो आप जब किसी को बताते हो, है ना, तो उससे आपका नॉलेज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, क्योंकि जब आप किसी को कुछ बताने जाते हो तो वो क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है, और वो क्वेश्चन कभी कभी आपको भी पता नहीं होता है, सामने वाला जो पूछता है। तो ऐसे जब हम मिलजुल के पढ़ते हैं, मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो आपको बताने से आपका नॉलेज खुद ब खुद बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है, राइट। तो जो चीज़ आपने, और दूसरी चीज़ याद रखना कि आपने खुद पढ़ा हुआ भूल जाओगे कभी कभी, बट आपने किसी को पढ़ाया है दो या तीन बार तो कभी आप भूलने वाले नहीं, राइट। तो करना क्या है कि जिस किसी को भी आप एक दूसरे से डिस्कस करो कि आपको कोई सब्जेक्ट में डिफिकल्टी होती है, तो किसी को कोई ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप वो कभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, राइट, आपका दोस्त जिसको आता है वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको बताने वाला है क्या, नहीं, उसका फ्री टाइम कब है तब उससे पूछो, राइट। और आपने एक से पूछा होगा, उसने नहीं बोल दिया आपको, तो आपको रुकना है क्या, दूसरे से पूछना है, तीसरे से पूछना है, तो ऐसा हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो काम अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा ना, ठीक है ना। तो ऐसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना, पहले इजी को देखो, स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन को समझो थोड़ा ध्यान से, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम लो उसको समझो, फिर ऐसे बड़े प्रॉब्लम को समझो, और अपने दोस्तों से अपने टीचर से डिस्कस करो कि उन लोगों को ऐसे समझ में आया, राइट, इससे थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो धीरे धीरे करके हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा, जैसे आप बोलोगे आज मेरे को नहीं आ रहा है कल आ जाए, नहीं, प्रैक्टिस, थोड़ा सोचना पड़ेगा, आराम से शांत होकर बैठोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा सॉल्व, ठीक है, हाँ ठीक है ना, वो बताएगा आपको,
वो बताएगा आपको, ठीक है ना, बताएगा, उसने हाँ बोला, ठीक है चलो। और किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? और किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किसको आपको भूगोल नहीं आता? ठीक है चलो, हो गया ठीक है। अभी अभी हम क्या करेंगे, ये जो सेशन हमने किया है, ये सेशन जो हमने किया, हम इसको अपने चैनल पे डालेंगे राइट। और ऐसे बहुत सारे स्कूलों में अलग अलग टॉपिक पे हम सेशन करते हैं, उनके रिकॉर्डिंग्स वहाँ पर है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। उसके साथ साथ एक काम कर सकते हो, जैसे आपके पास कुछ प्रश्न अभी नहीं आ रहे हैं बट कल ऐसे कुछ प्रश्न आ सकते हैं, है ना, तो उनको सॉल्व कर, अगर वो प्रश्न आपके अंदर आते हैं तो इस वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चंस डाल देना, ताकि उन क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे राइट। या फिर अगली बार जब हम स्कूल में आएंगे तब वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाएंगे राइट, तो वो हम इन लोग को दे देंगे राइट, वो चैनल का नाम आप लोग को सबको दे देंगे राइट। और किसी को क्वेश्चन नहीं है बट आपको करना क्या है अल्टीमेटली, या फिर एक काम करते हैं कि मैंने आज जो शुरू से आखिरी तक बताया राइट, वो दो तीन पॉइंट जो हैं, कोई एक तो किसी को याद होगा ना, तो ऐसा थोड़ा रिपीट कर देंगे ताकि सबको जो भूल गया होगा उसको याद आ जाएगा ठीक है। मैंने शुरू कैसे की, शुरुआत में क्या क्या बताया था, खड़े होकर बता दोगे थोड़ा सा, कोई एक पॉइंट, कोई एक बात जो मैंने बताई, हाँ कहानी बताई थी, हाँ ठीक है, उसके बाद हाँ हाँ कहानी बताई, उसके बाद खड़े होकर बोल दो, हाँ देखो ये बता रहा है, इसको याद है, हाँ बोलो, हाँ हाँ अच्छा, हाँ ठीक है ठीक ठीक। तो जिसने जिसने उसी टाइम काम शुरू करना शुरू किया उसने बना पाया राइट। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि अपना सपना ढूंढना पड़ेगा राइट, क्योंकि जब तक हम ये सोचते नहीं कि अपने को करना क्या है राइट, अपने को कुछ आता नहीं, मतलब हमको किस डायरेक्शन में जाना है वो पता चल गया तो फिर काम अच्छे से हो पाता है ठीक है ना, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग अपने क्वेश्चन डाल देना है ना, क्वेश्चन पूछना है ना, और सब लोग अभी से सोचना चालू करो, आपको जो कल करना है वो अभी सोचना चालू करो कि अपने को किस डायरेक्शन में जाना है, बिकॉज आज हम करेंगे तो अच्छी तैयारी कर पाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे तो अपनी लाइफ अच्छी होगी, और जब हम अच्छे हो जाते हैं दूसरों की हेल्प कर पाते हैं ना राइट, है ना, इसके लिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर सेशन क्लोज करें ठीक है, चलो डन, हाँ बोलो 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 बोलो, एग्जाम के दो कुछ बताने वाले थे क्या क्या, अच्छा एग्जाम के दो ना, देखो एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं ठीक है ना, ठीक है एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं ना, तो अभी कोई एग्जाम में देखो, अभी एग्जाम के लिए आप सीरियस नहीं होगा तो आपके एग्जाम में नंबर आने वाले हैं क्या राइट, तो दो मिनट आप बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं ना ठीक है। तो क्या करेंगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एग्जाम में छोटे आंसर, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक तो बड़े छोटे क्वेश्चन आते हैं जिनके इजी क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, जिसके आंसर अपने को पता होते हैं, कुछ ऐसे बड़े क्वेश्चन होते हैं राइट, जो हमको या तो भूल जाते हैं, हमको याद करने में बहुत टाइम लगता है राइट, तो बड़े आंसर्स को मैं कैसे याद रखूं राइट, उनको अच्छे से कैसे लिखूं राइट। तो आप एक बात याद रखना कि आप दो तरह के होता है, एक तो आप होती, आप किसी से कोई कहानी सुनते हो ठीक है, कोई कहानी आपने, मैंने एक कहानी आपको बताई है ना सर, दो मिनट और, तो कोई कहानी मैंने आपको बताई है ना, और दूसरी एक कहानी है जो आपने टीवी में देखी ठीक है ना, दूसरी कहानी मैंने टीवी में देखी, उसमें मैंने क्या किया, तो कोई किसी ने कोई कहानी सुनाई और किसी ने कोई कहानी देखी जाके मूवी में या फिर कहीं पर, इनमें फ़र्क क्या होता है, जो मूवी की कहानी होती, जो आपने देखा होता सुना होता उसको फील किया होता है, आपको लंबे समय तक याद रहता कि नहीं रहता है राइट, बट जो हमने सिर्फ ऐसे सुना है वो हम भूल जाते हैं ना, जैसे मैंने कुछ आके बहुत बड़ी बात बताई तो आप भूल जाओगे है ना, बट अगर आप उसको क्या है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स देखोगे ना, देखो ठीक है, तो अगर आपको सुनोगे ना, तो अगर आप उसको कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो है ना, उसको अगर आप पिक्चर की तरह देखोगे, एक स्टोरी की तरह उसको याद रखोगे, स्टोरी की तरह राइट, कि जो आंसर है उसको एज अ स्टोरी कन्वर्ट करके, उसको इमेजिन करके, थोड़ा उनको पिक्चर की तरफ देख के राइट, आप और उसको याद रखोगे ज़्यादा लंबा याद रह पाएगा ठीक है, एक चीज़ हो गया। दूसरा, अपने आप को एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत हेल्दी रखना है, अपना डेली रूटीन है ना,
अपना डेली रूटीन अपने आप को हेल्दी रखना है, पर आप हेल्दी रहोगे ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे, राइट। दो चीज़ें, राइट। पहला चीज़ क्या है, स्टोरी को इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज याद रखना। जो स्टोरी याद आंसर याद नहीं होता उनको स्टोरी की तरह, पिक्चर की तरह याद रखना है, राइट। उससे आपको जल्दी हो जाएगा। दूसरा, एग्जाम के टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपको हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट। इनफ स्लीप जो बोलते हैं ना लोग, अच्छे से आपको अपने आप को हेल्दी रखना है ताकि आप ज़्यादा सोच सको, अच्छा अच्छे से बोल सको, राइट। मेरे और ऐसे लेक्चर्स हैं चैनल पे, वो आप लोग देखना, राइट। एग्जाम के बारे में मैंने पिछले स्कूल में दिया था, वो आप डिटेल से थोड़ा सुन पाओगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम कम है, ठीक है, वो दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू, है ना, थैंक यू एवरीवन, है ना, चलो।